वो तो बैठते बारे लग गया काबू करने। एक करोड़ का किला सात लाख में, अरे एक करोड़ का किला सात लाख में, ओनू कहे उड़ते अमूरी ले एक करोड़ में, इस सेक्टर के अगर दो करोड़ में भी उड़ी ले गेट अगर कल चार करोड़ में उड़ी ले देव तो यू सरकार नू को नहीं देवे मर चाहिए। पर सुबह पहुंचे रहे थे अरोड़ी मुकाबला होगा नारा रिश्ता दंगल और माता का आज पार की लड़ाई होगी कह कितने मर्चे मोर्चे आगे मर्चे लग लिए जमीन को नहीं दे मैं न्यू एक करोड़ की सत्रह सत्रह लाख में ये खोज रही सरकार फरी में कोई बता जी बाम ने लोन ले रखा जी बाम पर ने क्या बैंक में मारा बीमा है पशु सारे मर गए और इन्हें बैंक ने बेरा और बैंक जवाब बेच दी सकते हैं तमाम किसानों की जो सड़क पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसान की जमीन नहीं बिकने देंगे क्योंकि रीछ पार किसान का नाम है और वो गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने सवा दो एकड़ के हिसाब से अपनी जमीन पर लोन लिया था तकरीबन 11 लाख रुपए का और उसके बाद उसका ब्याज पहुंच जाता है कुल राशि पहुंच जाती है 17 लाख रुपए और उसके बावजूद वो कुछ किस्तें जरूर भरते हैं लेकिन उसके बाद वो किस्तें नहीं भरते और उनकी जमीन की नीलामी हो जाती है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उल्टे नहीं उठेंगे खेत में ओढ़ी उठेंगे कहे कितने पुलिस साथियों पूरे के पूरे आलिए लठने लगा आ भाई तू तगड़ा होकर परेशानी क्या परेशानी कर क्या होगा जमीन जमीन छोड़ देंगे हमें जमीन पता मर जाएंगे मरेंगे जमीन नहीं जान देंगे अपनी उस पता मर मिटना तैयार है अभी रेत दबा दी है लेकिन बोली नहीं उड़ देंगे अन्ना चाउड़ देंगे सारे आएंगे हम उस पर मर जाएंगे लाश बिछ देंगे और बिल्कुल मचेंगी कादियन साहब धक्का कर रहे हैं हमारे जमींदार साहब बहुत धक्का कर रहे हैं और लोग भी ऐसे यहाँ कुछ जमीन लेने वाला नहीं है 11 लाख पौने 17 लाख का है और 90 लाख की जमीन है जो 17 लाख में ले रहे हैं ऐसे बेन छापी है कि ये दुसंत चटाना ये भूमि माफी है इससे कब्जा ऐसे कैसे हो जाएगा कब्जा कैसे हो जाएगा सतारा भी बैंक ने बना दिया। हाँ जी हाँ जी उन्होंने ये लड़के सारा कुछ लड़के कराए बैंक ने और इन वकीलों ने करके इसका जो वकील है उसने करके नहीं बोली हुई कुछ नहीं हुआ नहीं मेरे सहन ने कितना लोन लिया था कितने समय से आप नहीं दे रहे थे 11 लाख लोन था और 17 लाख इन्होंने बुलाया था उसमें ये सारा करके इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। कितने समय से आप किससे नहीं पे कर रहे थे ये किसमें हम दूध की मेरी पेमेंट उसमें दूध आता था गाय का दूध आता था सारा उसमें पेमेंट मेरी उसमें खाते में जाती थी
पेमेंट सारी वहीं जाती है, रेगुलर जा रही है। ये 2007 में दिया था, 2007 हाँ जी। अब क्या नीलामी हो चुकी है? हाँ, नीलामी इन्होंने अपने गुपचुप कर ली है, नहीं कोई चौकीदार का, कोई नहीं कोई तहसीलदार का, बिना नोटिस के बीमा भी सारा खा गए। उल्टा कॉर्नर तक और जाओ कभी और कंधा टीप देख रहे मारम लगा टाक का पूरी टाक देख रहे ओ तो बाहर से बाहर ला लिया काबू करने। 1 करोड़ का किला 7 लाख में, अरे 1 करोड़ का किला 7 लाख में, ओनू कहे उरा दे अमूरी ले में 1 करोड़ में, इस सेक्टर क्या का 2 करोड़ में भी उरी ले में गेट आ गया का 4 करोड़ में उरी ले में दे तो यू सरकार नू को निजवन ने कुछ नहीं आते। ये रले हुए थे आपस में, सेटलमेंट कहाँ करते थे ये आपस में रले हुए थे, भाई सस्ती जमीन ले रहे हैं और 1 करोड़ की जमीन है और ये 17 लाख में कर रहे हैं, ऐसे कोई बेइंसाफी है कहीं? ये क्या कीमत है उस जमीन की? उसकी 50 लाख एकड़ की है। 1 एकड़ की? हाँ जी, 50 लाख। 2 किले है? हाँ, 2 किले, 1 करोड़ से ऊपर 1.25 करोड़ की है। 1.25 करोड़ की है? आप लोन चुका नहीं पाए थे? आप लोग हाँ, जो लोन चुका रहे थे, गए का बीमा था वो भी खा गए। किस्त कब गई थी आपकी? वो किस्त जब 14 से पहले जज ने लिलाम किया, किस्त जा रही थी, वो बीच में टूट भी जाती है, कोई बीमारी आ गई, फेल होने की वजह से वो सारा काम। कौन सा गांव है आपका? जलाला विरान। आपको नोटिस भी दिया था? कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसान यहां पर इकट्ठे हुए हैं और फिलहाल नोटिस देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं किसानों में गुस्सा है और ये गुस्सा अब आगे और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रदर्शन किया है किसान में गुस्सा है। प्रदर्शन नहीं, हम जब परसों भी पहुंच रहे थे अरोड़ी मुकाबला होगा, मारा रिश्ता दंगल और माता का और पार की लड़ाई होगी, कई कितने मर्जे मोर्चे आगे मर्जा लग लिए, जमीन को नहीं दे मैं 1 करोड़ की 17 लाख में, ये खोज रही सरकार फरी में कोई बता। जब हमने लोन ले रखा, जब हम भरने तैयार, बैंक में मारा बीमा है, पशु सारे मर गए और इन्हें बैंक ने बेरा और बैंक जवाब लेने का फायदा होगा यहाँ पे ज्ञापन आते से हमने समझा दिया और कल ने ये निकल दे पता को नहीं था और ये होगा ज्ञापन तो किले में। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक बार तफसील से बता देते हैं। आपके ही गांव के पास एक किसान की जमीन की नीलामी हो जाती है, क्या किसान ने पैसे पूरे नहीं भरे थे? देखो हिमांशु जी, ये निसंग ब्लॉक का गांव है जलाला विरान, रिसपाल सिंह है किसान का नाम। वो बैंक की तरफ से एक स्पॉन्सर लोन होता है जिसमें सब्सिडी दी जाती है पशुपालन के लिए, 11 लाख रुपए का लोन लिया था, उसमें इन्होंने 4 किस्तें भरी, उसके बाद किसी बीमारी आने के कारण वो पशु मर गए और जो वो फार्म था वो बिल्कुल तबाह हो गया, वो आज भी वहाँ तबाह हुआ पड़ा है। उसके बाद वो NP हो गया, लोन होना स्वाभाविक था। हमें ये बात मानते हैं जो बैंक के पैसे हैं वो देने बनते हैं, पर ये गैर कानूनी तरीके से बिना किसान को नोटिस दिए जो खेती होती है, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको कभी भी कुर्क नहीं किया जा सकता, ये कोई कानून ही नहीं है। इन्होंने JJP के नेताओं ने मिलकर साथ में बैंक का जो मैनेजर था वो इनके साथ मिला हुआ था, इन्होंने अंदर खाते में जमीन उनके नाम करवा दी, किसान को इसकी कानों कान तक खबर नहीं होने दी, ना कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, किसी भी नोटिस पर किसान के साइन नहीं है। तो किसान को ये बात शायद समझनी तो चाहिए, जो पैसे लिए हैं वो हमने वापिस भी पहुंचाने हैं। किसान वो पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार है, किसान कभी भी पैसे नहीं रखता, सभी किसान लोन लेते हैं और वो पैसे भरते हैं, पर आज जो महंगाई है वो चरम सीमा पर पहुंची हुई है और बेरोजगारी भी उधर ही उतनी स्पीड से जोर से पकड़ रही है। अब आज क्या मजबूरी के कारण पैसे रुके हैं, वो पैसे देने के लिए किसान जिन्होंने जमीन ली उनके पास भी गया कि मैं पैसे दे दूंगा, आप मेरी जमीन छोड़ दें, मेरी जमीन में ना बढ़े, पर वो तो गुंडागर्दी करके ली थी। आप ये बात छोटी सी सोच लो, अगर 90 लाख की प्रॉपर्टी 17 लाख या 11 लाख में मिले, करनाल में क्या व्यापारी नहीं है क्या? कोई करनाल में भी तो व्यापारी होंगे जो उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे। ये हक बनता है अखबार में लवाते गांव में, गांव वाले लेने को तैयार हैं, वो गांव वाले कहते हैं 80 लाख में लेने के लिए वो प्रॉपर्टी तैयार है।
किसान की माँ होती है जमीन, और अगर जमीन नीलाम हो जाए तो फिर किसान के पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि किसान ने उस जमीन पर खेती करनी होती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, अपनी बेटी की शादी करनी होती है, उसी जमीन के जरिए वो वहाँ पर फसल उगाता है, आड़ती से कुछ पैसे लाता है, फिर अपने घर का गुजारा करता है। लेकिन रीशपाल किसान का नाम है, जलाला वीरान गाँव का नाम है, 2.25 एकड़ जमीन थी, 2007 में 11 लाख रुपए का लोन लिया जाता है, कुछ किश्तें किसान भरता भी है, कुछ किश्तें ना भरने के कारण, क्योंकि पशु बीमार हो जाते हैं, पशु मर जाते हैं, और उसके बाद किसान एनपीए हो जाता है। लेकिन 11 या 17 लाख के अंदर किसान की जमीन नीलाम हो जाती है, जिसकी आज कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ऐसे में जब वहाँ पर कब्जा लेने के लिए आते हैं उसके मालिक और वकील, तो वहाँ पर हंगामा मचता है, और आज किसानों की तरफ से जिला सचिवालय में ज्ञापन सौंपा गया है, और ये मांग रखी गई है कि किसी भी कीमत पे उस ज़मीन का कब्जा उस नए मालिक को नहीं दिया जाएगा, जो पुराना मालिक है जिसकी वो ज़मीन है उसी के पास वो कब्जा रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस मामले में क्या कुछ आने वाले समय में अपडेट आता है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।